नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने किया जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन। कहा, अहिंसा और शांति से ही देश का विकास संभव। महंगाई राहत कैंपों में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के प्रति लोगों में उत्साह। जयपुर जिले में 4 लाख से ज्यादा परिवारों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बनी वरदान। रोजगार के साथ ही प्रदेश के शहरों का हो रहा कायाकल्प। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सभी जिलों में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शांति, सद्भाव और अहिंसा को कायम रखने की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शांति और अहिंसा का सरकारी विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज युवाओं को गांधीवादी विचारों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह के नवाचार राजस्थान में हुए हैं वो कहीं नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही महात्मा गांधी के नाम पर लाइब्रेरी और संविधान केंद्र भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है और यही बात देश और परिवार के लिए भी लागू होती है। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने राजस्थान में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ और विभाग बन गया है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर ये सरकारी विभाग बनाया गया है शांति व अहिंसा का। राजस्थान में गांधी म्यूजियम बन रहा है, आप सबको मालूम है, बहुत शानदार म्यूजियम, जो मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर एकमात्र इस प्रकार का एक लीक छट के म्यूजियम होगा। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का माहौल बना है पूरे राजस्थान के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के नौजवानों को नई प्रेरणा देगा। राजस्थान के नौजवान, मैं समझता हूँ कि गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है देश को भी और दुनिया को भी। इस उपमहाद्वीप में शादी दे दी शांति स्थापित करने के नाम पर राजीव गांधी जी ने, और मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो लगातार वर्कशॉप हुए हैं, कैंप लगे हैं लगातार, और सेंट्रल पार्क में मैंने कहा म्यूजियम बन रहा है, ये तमाम नवाचार मेरे ख्याल राजस्थान में हुए हैं और कहीं नहीं हुए हैं। 2500 पंचायत और वार्ड्स में बनने वाले महात्मा गांधी लाइब्रेरी और संविधान केंद्र युवाओं को ज्ञान देकर सही राह पर चलाने में मदद करेगा। ये हमारी बजट घोषणा भी है कि किस प्रकार से हम महात्मा गांधी के नाम पर लाइब्रेरी और संविधान केंद्र बनाएं, और वो काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सभी को समझना होगा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है। अगर परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं आ सकता, वही बात लागू होती है गाँव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और आज जो माहौल है देश के अंदर, वो माहौल अशांति का है, हिंसा का है, तनाव का है। उसके खिलाफ में हमें अहिंसा की बात करके, जो महात्मा गांधी ने हमें संदेश दिया था, जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिया ताकि युवा शक्ति देश के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसलों से ही देश को तकनीकी विकास में ऊंचाइयां मिली। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भारतीय संविधान की रक्षा और मजबूत करने का आह्वान किया। आज हम कहना चाहेंगे नौजवानों को, इसके लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल की आयु को मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था। सोच समझ के बहुत जरूरत थी हमारी पार्टी के अंदर उस वक्त में, कि तमाम नौजवान हमेशा खिलाफ रहते सरकार के। वर्किंग कमेटी बहस हुई तब भी उन्होंने कहा नहीं, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने फ्रीडम किया और अधिकार दिया, देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी मतों में लोगों का लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारी सोच है और ये संकल्प सबका है। पिछले दिनों राज्य में लंपी रोग का कहर बेजुबान गोवंश पर जानलेवा साबित हुआ था। पशुपालकों को हुई भारी हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की।
योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक परिवार को दो गाय या भैंस के लिए प्रति पशु 40,000 का बीमा मुहैया करवाया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर जिले में 4,00,000 से ज्यादा परिवारों ने इस योजना के लिए महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। महंगाई राहत शिविरों में काम कर रहे युवा मित्र न केवल लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं बल्कि रक्तदान कर लोगों की जान भी बचा रहे हैं। बूंदी के सामान्य चिकित्सालय के परिसर में चल रहे महंगाई राहत कैंप के कर्मचारियों ने एक गर्भवती महिला की रक्तदान कर जान बचाई। गर्भवती महिला स्वतंत्रता बाई को डिलीवरी के दौरान 2 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। इस दौरान महिला की मां ने अस्पताल परिसर में संचालित हो रहे महंगाई राहत शिविर में पहुंचकर राजीव गांधी युवा मित्र देवकीनंदन शर्मा को अपनी परेशानी बताई। इस पर देवकीनंदन शर्मा ने शिविर में सेवा दे रहे हर्ष सोनी और अमन को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद हर्ष सोनी और अमन ने स्वेच्छा से ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इसके बाद स्वतंत्रता बाई की आसानी से डिलीवरी हो सकी। प्रदेश में महंगाई राहत कैंपों से लाभान्वित परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई से राहत की गारंटी दे रहे इन कैंपों को लेकर आमजन का उत्साह लगातार बना हुआ है। कैंपों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी पाकर लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। शनिवार शाम तक कैंपों से लाभान्वित परिवारों की संख्या 1,14,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अब तक 5,22,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। महंगाई राहत कैंपों से आमजन के चेहरों पर खुशी आई है। राज्य सरकार की योजनाओं से राहत मिलने से प्रदेशवासी चिंता मुक्त जीवन जी रहे हैं। प्रदेशवासी इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं और राहत पाकर अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों का पंजीकरण हो चुका है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। अशोक गहलोत जिंदाबाद। राजस्थान के वासियों को लाखों लाखों नहीं करोड़ों बधाई, क्योंकि राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंप के अंदर करोड़ों लोगों का पंजीकरण हो गया है। मैं सुमित कुमार बैरवा, सनोक रमेश चंद बैरवा, मैंने आज महंगाई राहत कार्यक्रम में योजनाओं का आठ योजनाओं का लाभ लिया है। इसके लिए मैं राजस्थान में गहलोत जी को धन्यवाद, अति धन्यवाद का पात्र, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी सारी योजनाएं दी है गहलोत साहब ने, मैं तो कहूँगा गहलोत साहब ने फट्टे चक दिए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अशोक गहलोत जी फॉर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ फैमिलीज इन राजस्थान अंडर द स्कीम ऑफ महंगाई राहत कैंप। थैंक यू सो मच। बूंदी जिले की तालेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देलुंदा और खड़ीपुर में चल रहे महंगाई राहत कैंपों का राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित कर योजनाओं की जानकारी भी दी। लाभार्थियों ने भी राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। बूंदी जिले की सुवानसा ग्राम पंचायत को ODF प्लस में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए सरपंच प्रियंका गोस्वामी को पंचायती राज विभाग ने गांव को ODF प्लस बनाने पर सम्मानित किया। ACS ग्रामीण विकास और पंचायती राज श्री अभय कुमार ने यह सम्मान प्रदान किया। आपको बताते हैं कि इसके लिए प्रदेश के 5 सरपंचों को चुना गया था, जिसमें से पहला स्थान सुवानसा ग्राम पंचायत को मिला। मैं प्रियंका पुरी गोस्वामी, सरपंच ग्राम पंचायत सुवानसा, पंचायत समिति तालेड़ा, जिला बूंदी, राजस्थान। मैंने स्वच्छ भारत मिशन योजना में ग्राम पंचायत के सभी घरों में शौचालय निर्माण कराया है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के द्वितीय चरण में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधक SCWM में जहां पर लीच पिट, मैजिक पिट, वाटर फिल्टर चैम्बर का निर्माण, ठोस कचरे के निस्तारण हेतु नादे वर्मी कंपोस्ट, व्यक्तिगत पिट, सामुदायिक पिट इत्यादि का निर्माण कराया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आम लोगों के लिए वरदान बन रही है। इससे शहरों में रहने वाले जरूरतमंदों को रोजगार मिल रहा है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है। वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरों का भी कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश के कई शहरों में इस योजना के तहत विकास के काम किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। योजना के तहत काम करने वाले लोग भी राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयोग से काफी खुश हैं। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।